साथ में सुखबीर सिंह मल्होत्रा जी बैठे हैं जो देश के लॉ ब्रेंस में से एक हैं और कानून की बहुत समझ वाले लोगों में से जाने जाते हैं। साथ साथ इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, हाई कोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार रहे हैं और एक वकील के रूप में भी प्रैक्टिस की है। आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जो जनता के लिए काम हो रहे हैं, जो जनता के लिए नीतियाँ बन रही हैं, जो जनता के हित में कानून बन रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर आपने अभी पिछले साल अक्टूबर के महीने में रिटायर हुए थे और उसके बाद तय किया कि आम आदमी पार्टी परिवार के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जो जनहित के काम हो रहे हैं उसमें योगदान करेंगे। और आपके आने से आम आदमी पार्टी का भी क्योंकि कानून और नीतियाँ उन सब पे जनता के पक्ष में बढ़ाती है तो आपका बहुत विशेष इनपुट हमें मिलता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है जनता के कानूनों के संबंध में वो भी काफ़ी हद तक समृद्ध होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो हम नए नए कानून बनाएंगे, नई नई नीतियाँ बनाएंगे, उसमें मदद मिलेगी। पर जिन पदों पर आप रह चुके हैं वहाँ का अनुभव और पूरा जीवन, आपने 84 में लॉ किया था और उसके बाद 7 साल 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद 92 से आप जुडिशल सर्विसेज में आ गए और उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे, जॉइंट रजिस्ट्रार भी रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मनोहर साहब और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर जनता की और अच्छी लीगल और अच्छे कानून बनाएंगे, जो बने हुए हैं उनको और बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मैं फॉर्मली आप पार्टी बहुत बहुत मैं मल्होत्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द आप भी इस अवसर पर विचारों को व्यक्त करें। सबको नमस्कार, मैं अधिकृत हूँ, मैं कभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कभी, अच्छा शायद बुला रहा भी नहीं हूँ। और हाँ, रिटायर हुए, सर्विस किया और शुरू से ही मन था कि जिन पॉलिसी से प्रभावित हैं उसी पॉलिसी तरफ ही चला जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी को चुना। और आपके सर के आशीर्वाद से जो भी नीतियाँ हैं, जो भी हैं, जहाँ भी अच्छाई हो सकती है उसको और अच्छा करके इम्प्लीमेंट करके जहाँ पे भी काम आ सके उस कोशिश को पूरा करने की कोशिश करें। एक और बात, कभी किसी को तंग नहीं होने दें, आम आदमी के साथ जुड़े रहेंगे, नौकरी थी अब आम आदमी के बराबर ही रहेंगे। नमस्कार।